जुमे की नमाज की जब हम पढ़ने मस्जिद गए तो मस्जिद में जगह नहीं थी। नमाज जो भी वो हर हालत में हमें कैच करनी है जुमे की नमाज। यार हैंड ब्रेक, तेरी नीयत अच्छी हो तो सारे काम हो जाते हैं। आज की नमाज अल्लाह नहीं चाहते कि मैं पढ़ूं। ये चीज मुझे अजीब सा खौफ सा आया कि क्यों नहीं अल्लाह चाहते। नमाज पढ़ने का सजदा करने का मौका नहीं मिल रहा, बीच में अल्लाह आपसे नाराज है। बड़ा डर लगता है मुझे अल्लाह की नाराजगी नहीं बोलनी। सो जो लड़के हिजाब करते होंगे वो कैसे फील करते होंगे जब हम एक मास्क के साथ तस्वीर करते हैं। आज जुमा है और जुमे की नमाज की जब हम पढ़ने मस्जिद गए तो मस्जिद में जगह नहीं थी। छोटी सी मस्जिद और बारिश की वजह से पीछे वाली जगह पर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती थी। सो अब हम कोर्स नमाज मिस तो कर नहीं सकते। सो हम लोग भी गाड़ी में निकल के दूसरी मस्जिद ढूंढने जा रहे हैं जहां पे थोड़ा नमाज लेट होती है। नमाज जो भी वो हर हालत में हमें कैच करनी है जुमे की नमाज। मैंने कहा नॉट शेयर विद यू, आई एम गोइंग एंड आप लोग वेट करता हूं। Well, जुमे की नमाज कैच करनी है हमने, क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ने जिस मस्जिद में हम गए उस मस्जिद, यार हैंड ब्रेक, जुमे की नमाज पढ़ने जब जिस मस्जिद में गए हैं वहां पे जगह खाली थी, जगह नहीं थी और फुल थी। सो मजबूरन हमें दूसरी किसी मस्जिद में जाना पड़ रहा है, लेकिन नमाज जरूर कैच करनी है। सो होपफुली हमें मिल जाएगी। वो कहते हैं नीयत अच्छी हो तो सारे काम हो जाते हैं, और अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह के आगे सजदे करने के लिए तो हमें मौका मिलना चाहिए। मुझे थोड़ी देर के अजीब सा लगा, मुझे लगा शायद आज की नमाज अल्लाह नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं। और ये चीज मुझे अजीब सा खौफ सा आया कि क्यों नहीं अल्लाह चाहते थे। तो मैं अभी निकला हूं, या अल्लाह मुझे मौका मिले नमाज पढ़ने का, क्योंकि अगर आपको नमाज पढ़ने का, सजदा करने का मौका नहीं मिल रहा, बीच में अल्लाह आपसे नाराज है और मुझे इस चीज से बड़ा डर लगता है, मुझे अल्लाह की नाराजगी नहीं बोलनी। सो मैं जल्दी से निकला हूं टुवर्ड्स अनदर मस्जिद एंड होपफुली मुझे वहां नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा और आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बारिश के खूबसूरत मौसम में इंजॉय तो हम कर रहे हैं, मगर नमाज भी जरूरी है। तो लेट्स सी आर वी गोना कैच द नमाज टुडे और नॉट। और मास्क मैंने साथ इसलिए पहने हैं बिकॉज लाइक आई कैन नॉट गो ओपन विद ओपन फेस इन पब्लिक एरियाज बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी ऑन सोशल मीडिया। मतलब लाइक आई एम पब्लिक फिगर, सो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर मैनेज करना। सो मास्क रियली हेल्प्स यू अ लॉट लोगों से छुपने के लिए। खैर लोग पहचान वालों से जाते हैं, लेकिन स्टिल मास्क जो है वो काफी हद तक आपको जरा सेफ फील कराता है। तो इस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि जो लड़के हिजाब करते होंगे वो कितना सेफ फील करती होंगी जब हम एक मास्क के साथ सेफ फील करते हैं। सो लेट्स गो फॉर जुमे की नमाज। Did the prayers, namaz was important and finally hame namaz mil gayi. I'm so happy and here is my beautiful car. Well, hum bahut side pe kisi jagah pe aaye hain jahan pe I don't have any jaan pehchan, magar jo bhi hai namaz zaruri hai aur namaz humne pad li. Yay, my god, कसम से मुझे बहुत टेंशन हुई थी जब वहां पे मस्जिद में जगह नहीं मिली। मैंने कहा यार अल्लाह ताला नहीं चाहते मुझसे मैं नमाज पढ़ूं और अल्लाह ताला मुझसे किसी बात पे नाराज है, लेकिन शायद अल्लाह ताला ही चाहते थे कि मैं थोड़ी मेहनत करूं। वो देखना चाहते थे कि मैं उनसे प्यार करता हूं कि नहीं करता। और मैंने बड़ा मुश्किल था इस एरिया में आना बिकॉज ये बिल्कुल साइड पे है, कोई अंदर करके है। मैंने कहा लेट्स गो। सो फाइनली मैं नमाज पढ़ ली। सो अपने एरिया के अराउंड एक एरिया है जहां पे हमें मस्जिद मिली और ये देखिए कितने मजे का लेविश ग्रीन और कितने मजे का बारिश के बाद खूबसूरत हो गया है ये। As you can see, हमने आज यहाँ नमाज पढ़ी आकर और अभी हमें going back on place, loving it. बिल्कुल शिमला की पहाड़ियाँ नहीं होती इंडिया के स्टार प्लस के ड्रामों में या फिल्म सिटी की पहाड़ियाँ, बिल्कुल like that. So, इस एरिया में मैं तो नहीं आता होता, ये बिल्कुल हमारी जो एरिया है उसके बैक साइड पे कोई विलेज टाइप एरिया है, मगर स्टिल आई रियली एंजॉयड कमिंग हियर और नमाज पढ़ने का अपना ही मजा था और बारिश के इस मौसम में इस इलाके की खूबसूरती कुछ और हो चुकी है। आई एम जस्ट लविंग इट, ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट लविंग इट। सो फाइनली हम नमाज पढ़ के आ गए हैं। आई फील सो सेटिस्फाइड। आई थिंक सो ये आपके अपने अंदर होता है कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या करते हैं। मौसम भी सही नहीं था, रोड भी खराब गंदे हुए हुए थे बारिश के बाद, और फिर गाड़ी में निकलना ऑल दैट। तो लेकिन स्टिल हमने नमाज पकड़ ली। अभी हम बाकी की सुनते पढ़ेंगे, सूरह काफ पढ़ेंगे और इसी तरह बाकी का दिन अल्लाह ताला हम पे हुई रहमतें और बरकतें नाजिल करता रहे। आप सबको बहुत बहुत आज जुमा मुबारक नहीं बोलना चाहिए, जुमे की रहमतें आप पे नाजिल हों। सो लेट्स गो इनसाइड।
जुम्मे की नमाज और जुम्मे के दिन का जो सुकून है उसकी क्या ही बात है। हम बहुत अभी दुनियावी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, शादी, करियर, गमी, खुशी, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, लेकिन हकीकत यह है कि वी ऑल हैव टू गो वन डे, हमें जाना है। सो आखिरत के लिए भी हमें कुछ करना है। सो पूरा दिन में हम अल्लाह के जुटान निकालते हैं, इबादत की जुटान निकालते हैं। ये हमारी ही बेहतरी के लिए होता है, मेडिटेशन के लिए होता है, हमारे मेंटल पीस के लिए होता है। सो आज का दिन बहुत खूबसूरत गुजरा, थोड़ा सा हमें हार्डवर्क करना पड़ा, शायद अल्लाह ताला यही चाहते थे कि हम ये हार्डवर्क करें, और इस हार्डवर्क से हमें जो एक मेंटल पीस मिला, जो सेटिस्फेक्शन मिला, दैट वॉज अल्लाह इंटेंशन कि हम लोग इस हार्डवर्क के एंड पे जो हमें पीस मिलेगा। ऐसी हम जिंदगी में जब भी मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए और उसका जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, दिस इज हाउ वी फील हैप्पी। ठीक है, सो होपफुली इस व्लॉग से आपने कुछ सीखा होगा, ये छोटी छोटी चीजें आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और आप भी से कुछ सीखेंगे। मेरे ब्लॉग्स को यूं ही देखते रहें, मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें। आई विल कीप एंटरटेनिंग और हम कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको छोटी छोटी चीजों से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ सिखाएं भी। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लव यू ऑल एंड हैव फन।